नमस्कार, मसाला इंडिया में मैं अदिति आपका स्वागत करती हूँ। यूं तो लोग ये समझते हैं कि मसालों का उपयोग केवल सब्जियां और दालों को बनाने में किया जाता है, लेकिन कुछ मसाले ऐसे भी हैं जिनका उपयोग हर तरह की मिठाइयों और बेकिंग में भी होता है। जी हाँ, आज हम जिस मसाले की बात कर रहे हैं वो तो छोटे बच्चों का सबसे पसंदीदा मसाला है। युवाओं को भी इसने अपनी खुशबू और स्वाद का दीवाना बना रखा है। किसी भी तरह के केक और पेस्ट्रीज इसके बिना अधूरे ही रहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मसाले की बात कर रहे हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं वेनिला की मिठास से भरी सुगंधित दुनिया में। वेनिला ऑर्किड कुल से संबंध रखता है, यानी इसका फूल बहुत ही सुगंधित और सुंदर होता है और इसी फूल से ये फली निकलती है जो सूखने के बाद काली हो जाती है। और उसी से हमें मिलता है ये विश्व प्रसिद्ध सुगंधित वेनिला मसाला। यूं तो ये मसाला मध्य अमेरिका में रेड इंडियंस द्वारा उगाया जाता था, फिर वहां से निकालकर यूरोपियन व्यापारी इसे मेडागास्कर टापू पर लेके आ गए और फिर वहां से ये भारत आया। भारत पहुंचने के बाद वेनिला ने भारत के दक्षिणी प्रदेशों में अपना घर बना लिया। वेनिला का पौधा लता के रूप में होता है, यानी कि वेनिला की बेल होती है और इसीलिए इसे बढ़ने के लिए अन्य पेड़ों या किसी तरह के सहारे की जरूरत होती है। वेनिला की खेती करना काफी मेहनत वाला काम होता है, इसके लिए छाया की जरूरत होती है। इसे खेत में भी उपजाया जा सकता है या फिर ग्रीन हाउस में भी इसे उपजाया जाता है। इसके अच्छे उत्पादन के लिए गर्म जलवायु की जरूरत होती है और इसे पूरे साल में करीब 150 से 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा की जरूरत होती है और इसके खेत को समुद्र तल से करीब 1500 मीटर ऊंचे होने की जरूरत भी पड़ती है। वेनिला की खेती के लिए दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त होती है। ऐसी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ आदि हो वो वेनिला की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। इसके अलावा अगर खेत ढालू हो तो वो इसकी पैदावार के लिए काफी सहायक माना जाता है। वेनिला की पौध लगाने से पहले मिट्टी को ढीला किया जाता है, यानी इसे अच्छी तरह जोता जाता है और फिर इसे सुखाया जाता है। फिर इसमें ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी पोस्ट, खली और पोल्ट्री खाद मिलाए जाते हैं। उसके बाद कार्बनिक खाद डालकर खेत को दोबारा से जोता जाता है। उसके बाद 60x45x60 की मेड़ बनाई जाती है। अब वेनिला की बेल को सहारा देने वाले पेड़ या पोस्ट लगा दिए जाते हैं। इसके 3 महीने बाद वेनिला की कलम को 30x30x30 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे में रोपा जाता है। आखिर में गड्ढे को गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट से भर दिया जाता है। 1 हेक्टेयर में वेनिला के औसतन 2000 कलमें लगाई जाती हैं। जहां तक सिंचाई का सवाल है, वेनिला की सिंचाई सामान्यतः डीप इरिगेशन द्वारा की जाती है और इसी पद्धति के द्वारा साल में 1 या 2 बार रासायनिक खाद भी वेनिला की जड़ों में दी जाती है।
मनीला को कई रोगों से और कीटों से बचाना होता है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि जड़ों में पानी का जमाव ना हो और अत्यधिक छांव ना हो। इसके अलावा इसकी पत्तियों में झुर्रियां आ जाती हैं और ये पूरे पौधे को नष्ट कर देती है। करीब 3 साल बाद वनीला की लताएं फूल देने लगती हैं। सामान्यतः ये पुष्प बसंत ऋतु में होते हैं। फूल खिलने के 12 घंटे के भीतर प्रत्येक फूल का परागण किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि परागण किसान हाथों से करते हैं, इसलिए इसमें बहुत समय और मेहनत लगती है। इसके बाद इस फूल से कली निकलती है और फली को विकसित होने में करीब 5 से 6 सप्ताह लगते हैं और फली को परिपक्व होने में करीब 9 महीने लग जाते हैं। The major constraint for vanilla production in India is fungal diseases. वेनिला में कोई गंभीर कीट नहीं पाया जाता है, केवल कुछ मामूली कीटों की ही अभी तक समस्या है। भारत में बढ़ते वेनिला की प्रमुख बाधा फंगल रोग है। वेनिला को संक्रमित करने के लिए कई प्रकार के कवक पाए जाते हैं, उनमें से पहला फ्यूसेरियम रॉट है। उसके अलावा फाइटोप्थोरा के कारण होने वाली बीन रॉट भी वेनिला में पाया जाता है। इन्हें प्रबंधित करने के लिए हमें सही मात्रा में दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा हमें उचित छाया नियमन भी करना चाहिए। छाया की अधिकता से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा हमें उचित जल निकासी और क्षेत्र की स्वच्छता भी बनाए रखनी चाहिए। All the phytosanitary measures and proper shade regulation. So excess. अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मसालों की दुनिया में फिर लौटेंगे, मीठी खुशबू वाले मसाले वनीला के साथ। आप कहीं मत जाइएगा। कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वेलकम बैक। वनीला के हमारे इस मीठे से सफर में आप सभी का स्वागत है। भारत में वनीला के पौधे को लगाने का उचित समय नवंबर से दिसंबर के महीने में होता है। इस मौसम में ना तो ज्यादा बरसात होती है और ना ही ज्यादा शुष्क वातावरण होता है। कलमों को जड़ पकड़ने में करीब 6 से 8 सप्ताह लग जाते हैं। वेनिला तब लगाया जाता है जब मौसम बहुत शुष्क नहीं होता और बहुत नम भी नहीं होता। उस समय हमें रोपण करना पड़ता है। वेनिला एक छाया प्रेमी फसल है जो लगभग 50% छाया पसंद करती है। वेनिला की खेती के लिए कुछ सपोर्ट ट्रीज लगाने होते हैं। समर्थन पेड़ या सपोर्ट ट्रीज की पंक्तियों के बीच में 2.5 से 3 मीटर तक की दूरी होनी चाहिए। अच्छे प्रबंधन के तहत आमतौर पर 500 से 800 किलोग्राम सूखी कटी फलियों को वेनिला से प्राप्त किया जा सकता है। वेनिला की फलियों को टिड्डी और कैटरपिलर जैसे कीटों से बचाना होता है। जब फलियों के सिरे पर हल्का पीलापन आने लगता है, तब ये समझ लिया जाता है कि फली परिपक्व हो गई है। ऐसे में फलियों को हाथ से तोड़ा जाता है। फलियों की गुणवत्ता उनकी लंबाई के आधार पर तय की जाती है। 15 सेंटीमीटर या अधिक लंबाई वाली फली को सर्वोत्तम माना जाता है। 10 से 15 सेंटीमीटर वाली फली को मध्यम और 10 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाली फली को औसत दर्जे की माना जाता है। पहले 5 साल की एक बेल करीब 1.5 से 3 किलो फली का उत्पादन करती है, लेकिन कुछ सालों बाद एक बेल से करीब
6 किलो वनीला की पैदावार ली जा सकती है। वेनिला फलियों की गुणवत्ता फलियों की लंबाई के आधार पर तय की जाती है। लगभग 17 से 25 सेंटीमीटर लंबी फलियों को सबसे अच्छी सबसे ऊंचे दर्जे का माना जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें एक शाखा पर फलियों की संख्या को सीमित करना होता है। इसके अलावा उचित परिपक्वता भी फलियों की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। इनको सही समय पर ही काटा जाना चाहिए। जब फलियों का सिरा पीला पड़ने लगे उस समय हमें कटाई करनी चाहिए। इसके बाद सुगंध के साथ रंगे हुए सेम को गहरे भूरे रंग का होना चाहिए। एक अच्छी गुणवत्ता वाली वेनिला फलियों में लगभग 2.2 से 2.4% वेनिलिन होता है। तुड़ाई के बाद फलियों की क्योरिंग होती है और क्योरिंग के तहत इनको 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसका पहला चरण है किलिंग। इस प्रक्रिया में फलियों को गर्म पानी में डुबोकर साफ किया जाता है। उसके बाद होती है स्वेटिंग। इस प्रक्रिया के तहत फलियों को ऊनी कपड़ों में लपेटकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है और इस प्रक्रिया को करीब 10 दिन तक किया जाता है। इसके बाद होती है ड्राइंग और कंडीशनिंग। स्वेटिंग की विधि में फलियों को ऊनी कपड़े में लपेटकर धूप में 1 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फलियों को वाटर टाइट लकड़ी के बक्से में रख दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 10 दिन तक बार बार किया जाता है। इस प्रक्रिया से वनीला में विशेष रंग और स्वाद उत्पन्न होता है। इसके बाद फलियों को सुखाया जाता है। वनीला की फलियों को रोज सुबह धूप में सुखाते हैं और दोपहर में इसे फिर बक्से में रख दिया जाता है। जब फलियों का भार 30-40% कम हो जाता है तब धूप में सूखने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है फलियों की कंडीशनिंग। इस चरण में फलियों को कुछ महीनों तक लकड़ी के बक्से में रख दिया जाता है। इसके बाद उन्हें निकालकर ग्रेडिंग की जाती है। उसके बाद ग्रेड के अनुसार फलियों का बंडल बनाया जाता है। इसके बाद फलियों को एयर टाइट लकड़ी के बक्से में रख दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 10 दिन तक बार बार किया जाता है। अब वनीला उत्पादक अपने वनीला को लेकर उन व्यापारियों के हाथ बेच देता है जो इसे व्यावसायिक प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में भेज देते हैं। फैक्ट्री में वनीला को 3 रूपों में प्रोसेस करते हैं। पहला संपूर्ण फली, दूसरा पाउडर और तीसरा वनीला से अर्क बनाया जाता है। इन तीनों की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत मांग है। आइसक्रीम हो, चॉकलेट हो या कस्टर्ड, यहाँ तक कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी वनीला का ही प्रयोग होता है। वनीला का एक मुख्य उपयोग आइसक्रीम में खुशबू के लिए होता है और आपको आश्चर्य होगा कि पूरे संसार में बिकने वाले आइसक्रीम का 40% हिस्सा वनीला फ्लेवर होता है। बेकरी इंडस्ट्री में तो इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। चॉकलेट, कस्टर्ड, कैरमल व कॉफी में भी इसका उपयोग काफी किया जाता है। स्पेशली कोल्ड कॉफी में इसका अधिक प्रयोग होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली इंडस्ट्री में इसका बहुत उपयोग है, जैसे सेंट्स, डिओड्रेंट्स, यहाँ तक कि लिपस्टिक में भी इसका काफी प्रयोग किया जाता है। विनिला के जीवाणु रोधी गुण मुहासों के उपचार के लिए इसे फायदेमंद बनाते हैं। विनिलिन अपने जीवाणु रोधी प्रभावों के माध्यम से आपकी त्वचा को साफ करने में मदद करता है, जिससे दाने और मुहासे कम हो जाते हैं। विनिला में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो त्वचा की क्षति को रोकते हैं और झुर्रियों और उम्र के धब्बों को
धीमा करने में मदद करते हैं। विनिला के विनिला अर्क या तेल को जलने, घाव और कटने पर मिश्रित करके एक पारंपरिक उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। विनिला कई पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है जो बालों के स्वास्थ्य और रखरखाव में मदद करते हैं। विनिला के बारे में ऐसी ही कुछ और मजेदार बातें करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप किसी बीमारी से परेशान हैं, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से, हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वेलकम बैक। चलिए विनिला के हमारे इस खुशबूदार सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे शेफ के पास और देखते हैं कि आज वो विनिला से हमारे लिए क्या खास बना रहे हैं। आज जो मैं डिश बनाने वाला हूँ उसका नाम है पाइनएप्पल कारपाचियो, जिसको मैं सर्व करूंगा वेनिला पैनाकोटा के साथ। और आज के हमारे एपिसोड में जो हमारा मेन स्पाइस रहेगा वो है वेनिला बीन्स, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे वेनिला पोट्स। हम शुगर सिरप बनाएंगे, शुगर सिरप बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रैनुलेटेड शुगर, और आप रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। देन पैनाकोटा बनाने के लिए हमें चाहिए क्रीम, मिल्क, जेलेटिन शीट जिसको मैंने ठंडे पानी में सोक करके रखा हुआ है, और थिन स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल, ऑल्सो कॉल इट पाइनएप्पल कारपाचियो। सबसे पहले पाइनएप्पल कारपाचियो बनाने के लिए हम बनाएंगे पैनाकोटा। पैनाकोटा अगेन इटालियन डेजर्ट है। आज का जो मेरा डेजर्ट है वो बेस्ड है इटालियन फूड के ऊपर। इसमें जो कारपाचियो है वो भी इटालियन है और पैनाकोटा जो है वो भी इटालियन है। पैनाकोटा का मतलब होता है कुक्ड क्रीम डेट इज सेट विद जेलेटिन। तो सेम अभी जो मैं बनाऊंगा वो है वेनिला पैनाकोटा। वेनिला पैनाकोटा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और क्रीम। इसकी रेशियो लगभग क्रीम और मिल्क की रहेगी 2:1। मिल्क कम रहेगा, क्रीम ज़्यादा रहेगी, बिकॉज जो उसका बेस है वो क्रीम का है, कुक क्रीम का बेस है, जिसको हम जेलेटिन से सेट करेंगे और फ्लेवर देंगे हम वेनिला से, जो आज का हमारा स्पाइस है। या मोर ऑफ क्रीम, क्रीम ज़्यादा डाली है क्योंकि कुक क्रीम डेजर्ट है ये। जब आपका मिल्क और क्रीम बॉयल हो जाए उसके अंदर हम फिर ऐड करेंगे वेनिला बीन्स। वेनिला बीन्स जो है हमारे इंडिया में साउथ में ग्रो होते हैं, कुर्ग है जहाँ पे बेस्ट वेनिला बीन्स मिलते हैं इंडिया के अंदर। वो कुर्ग स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है, वहाँ की हनी भी बहुत अच्छी है। तो जो बीन्स हैं वहीं के ही हैं हमारे कुर्ग से, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। जनरली लोग वेनिला एसेंस भी यूज़ करते हैं, बट माई पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप फ्रेश वेनिला बीन्स यूज़ करें रेदर देन यूजिंग एसेंस, बिकॉज एसेंस का आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा मुँह में रहता है, वो फ्रेश फ्लेवर नहीं आते वो जो बीन्स में आते हैं। ओके, तो बीन्स को 1/2 काटा है मैंने। देन वी विल स्प्लिट फ्रॉम द मिडल। सो बहुत ईजी है वेनिला बीन्स में से वेनिला निकालना। आप उसको 1/2 स्प्लिट करिए एंड देन उसको स्क्रैप करिए। यू कैन अगर आप इसको भी डाल सकते हैं अपने बेस में,
एंड देन एक बार जब आपका बेस रेडी हो जाए उसके बाद आप इसको निकाल दें। अगर इन केस आपको फ्रेश वेनिला बीन्स या आपको वेनिला पॉड नहीं मिलता तो आप एसेंस यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करके आप पॉड को यूज़ करिए, बीन्स को यूज़ करिए, बट कई बार होता है कि ये चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती, और अगर आपको इन केस ये चीज़ नहीं मिलती तो आप वेनिला एसेंस भी बेस में यूज़ कर सकते हैं। जो पैनाकोटा का बेस है वो रेडी है नियरली, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने ब्लैक पार्टिकल जो हैं, डेट इज़ नाइसली मिक्स्ड क्रीम के अंदर, जो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप जो मेरा रहेगा वो है शुगर और जेलेटिन। सबसे पहले मैं शुगर डालूंगा। अगेन शुगर डिपेंड्स कि आपका टेस्ट कैसा है, आप अपने स्वाद के अनुसार शुगर को ऐड करिए। तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से लगभग 3 स्पून्स शुगर ऐड करूँगा, और उसके बाद लगभग क्वांटिटी के हिसाब से मैं इसमें 3 से 4 जेलेटिन शीट डालूँगा। जो पानी में सोक किया हुआ है जेलेटिन शीट को, ब्लूम किया है ताकि वो इजीली मिक्स हो जाए। मेरा जो वेनिला पैनाकोटा है उसका बेस रेडी है। अभी हम अगले स्टेप में बनाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने का रीज़न ये है कि जो मेरे पाइनएप्पल के थिन स्लाइसेस हैं मैं उसको ग्लेज करूँगा, और जो मेरा शुगर सिरप रहेगा उसमें भी मैं थोड़े से वेनिला बीन्स ऐड करूँगा। जो पैनाकोटा है उसका बेस अभी रेडी हो चुका है। नाउ हमें ये बीन्स के जो पॉड्स हैं हम इसको रिमूव करेंगे। जो बेस है वो मैं इसमें डालूँगा, और हम इसको अभी 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। जो मेरे डेजर्ट का बेस है पैनाकोटा वो हमने फ्रिज में डाल दिया है सेट होने के लिए। अभी हम बनाएंगे शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए वेरी बेसिक, हम पानी लेंगे, इसमें हम 2 स्लाइस लेमन की डालेंगे। अगेन मैंने शुरुआत में बताया था कि हम लेमन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपके शुगर के क्रिस्टल्स ना रहें शुगर सिरप में। शुगर सिरप रेडी हो चुका है जिसको मैं यूज़ करूँगा मेरे पाइनएप्पल ग्लेजिंग के लिए। बट आप जब शुगर सिरप यूज़ करें तो मेक श्योर आप पॉट्स को निकाल दें, और जो हमने लेमन वेजेस यूज़ की हैं, स्लाइस लेमन जो यूज़ हुआ है उसको भी आप निकाल दें। तो ये शुगर सिरप जो है ग्लेजिंग के लिए रेडी है। आज का जो मेन डेजर्ट है वो है वेनिला पैनाकोटा, और जिसमें मैंने वेनिला बीन्स को यूज़ किया है। माई रिकमेंडेशन कि आप फ्रेश यूज़ करें रैदर देन यूजिंग एसेंस, बिकॉज फ्रेशनेस जो वेनिला बीन्स की जो रहती है उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और मैंने क्रीम और मिल्क का एक ब्रेस सेट किया था। पैनाकोटा बेसिकली इट्स इटालियन डेजर्ट जो कि कुक क्रीम से बनता है, जिसको सेट किया जाता है जेलेटिन से। मैंने सेम हल्का सा मिल्क लिया 2:1, लगभग 100 ml ऑफ मिल्क एंड 200 ml ऑफ क्रीम, जिसको हमने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद हमने उसमें वेनिला बीन्स डाले थे। वेनिला बीन्स डालने के बाद हमने उसको थोड़ा कुक किया, हल्का सा रिड्यूस किया, देन उसके अंदर हमने शुगर ऐड करी और जेलेटिन। जेलेटिन ऐड करने के बाद हमने उसको फ्रिज में थोड़ी देर रखा सेट होने के लिए। मीनवाइल जब हमारा पैनाकोटा रेडी हो रहा था फ्रिज में, हमने शुगर सिरप बनाया। शुगर सिरप के लिए इट इज़ अगेन जस्ट नॉर्मल रेसिपी जो हम बनाते हैं। हमने पानी को बॉयल किया था, उसमें 1 or 2 slices ऑफ लेमन डाले ताकि उसमें क्रिस्टलाइजेशन ना हो शुगर की, और हमने उसमें शुगर डाली। अगेन यहाँ पे मैंने अपने वेनिला एसेंस वेनिला बीन्स को भी यूज़ किया शुगर सिरप के अंदर। जो मैंने शुगर सिरप बनाया उसमें मैंने वेनिला बीन्स को यूज़ किया, एंड देन वो जो बेस है मेरा शुगर सिरप का वो मेरे पाइनएप्पल कर्पाचियो के लिए यूज़ होगा ग्लेजिंग के लिए। ये एक इटालियन वर्ड है कर्पाचियो, जिसका मतलब होता है अ रॉ थिन स्लाइसेस ऑफ मीट। बट अभी मॉडर्न कलिनरी में हम जब बात करते हैं टर्म्स की, टाइम काफ़ी बदल चुका है। हम इन टर्म्स को आजकल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के साथ भी यूज़ करते हैं, तो मैंने वही टर्म जो मैंने कर्पाचियो के लिए है मैंने डेजर्ट के लिए यूज़ करी, जिसमें मैंने बनाया पाइनएप्पल कर्पाचियो विद वेनिला पैनाकोटा। वेनिला के कई औषधीय उपयोग भी हैं।
कहा जाता है कि रेड इंडियंस जब बीमार पड़ते थे तो सबसे पहले वो वनीला का सेवन करते थे। वनीला में रोगाणुओं को मारने की शक्ति होती है। इसका उपयोग अरोमा थेरेपी में भी व्यापक तौर से किया जाता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल अध्ययनों से साबित किया गया है कि वनीला अर्क अवसाद और चिंता विकारों से पीड़ित लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वनीला अर्क युक्त पानी या दूध पीना कुछ लोगों में स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। वनीला अरोमा थेरेपी न्यूरो सिस्टम के लिए भी काफी फायदेमंद माना गया है। वनीला से बनी हर्बल चाय पाचन समस्याओं से राहत दे सकती है। वनीला बीन्स के साथ उबला हुआ पानी उल्टी और पेट खराब होने का एक पारंपरिक उपाय है। तो देखा आपने कैसे पूरी दुनिया को अपनी खुशबू और स्वाद का दीवाना बनाने वाला वनीला खेतों से निकलकर हमारी कुछ सबसे पसंदीदा चीजों जैसे आइसक्रीम, केक्स और शेक्स तक पहुंचता है। उम्मीद है आपको हमारा ये अंक बेहद पसंद आया होगा। अगले हफ्ते ऐसे ही एक और मसाले के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।